हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है, ठीक है। और एक्सेल में अगर आपको डिग्री सेल्सियस लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जरा यहाँ पर मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ और आपको मान लीजिए यहाँ पर लिखना है डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा सवाल। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए मुझे लिखना है 8 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने 8 लिखा। अब डिग्री कैसे लिखेंगे, ऊपर डिग्री आएगा तो डिग्री कैसे लगाएंगे, तो 0 से डिग्री लगेगा, तो ये देखिए 8 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिग्री सेल्सियस तो नहीं हुआ। तो डिग्री सेल्सियस लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और फिर यहाँ पे देखिए ये दिया है सब स्क्रिप्ट और ये दिया है सुपर स्क्रिप्ट, तो आपको सुपर स्क्रिप्ट पर टिक करना है और टिक करके ओके करना है, ठीक है। और अब यहाँ पर 0 लिखिए और यहाँ पर अब वापिस से क्या करना है, वापिस से राइट क्लिक कीजिए, इस तरीके से राइट क्लिक कीजिए, फिर फॉर्मेट सेल्स ओपन कीजिए, फिर यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट हटा दीजिए, ओके कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए सेल्सियस, तो ये हो गया 8 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि एक्सेल में अगर आपको डिग्री सेल्सियस लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।